हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो आप सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, अभी 12 बज चुके हैं और अचानक से मूड बन गया है कि साफ़ सफाई करना है घर की, क्योंकि अब टाइम बहुत कम बचा है। शादी भी करीब आ गई है और कुंडों का त्यौहार भी करीब आ गया है, तो जल्दी जल्दी किचन की साफ़ सफाई कर लेते हैं। तो यहाँ भी पूरा किचन खाली कर रहे हैं, बच्चे सामान भी ले जा रहे हैं, अभी अलमारी वगैरह ये सब खाली हो रही है। आधा सामान ऊपर रखा, आधा भी नहीं रखा है अभी, तो थोड़ा बहुत रखा है। और यहाँ मशीन भी चल रही है, कपड़े इतने सारे हो गए और भाई निकालो बर्तन, सामान रख रहे हैं बच्चे फटाफट, जल्दी जल्दी बच्चा नहीं बच्चे रख रहे हैं। और सोना को तो आधे से ज्यादा गुस्सा दिला दिला के करवा ही लेती हूँ मैं काम। और देखो माँ कैसे हाथ तोड़ दिया है। और यहाँ काम करते करते केले खाना चालू हो गए हैं देखो। और सोना तो थक भी गया, अभी तो शुरुआत हुई है बेटा, तो किचन खाली हो जाएगा ना जल्दी से। तोशिब और हम दोनों मिलके फटाफट बर्तन धोएंगे और बिट्टू को मैं अभी बोलती हूँ, तो बिट्टू किचन की पाइप लगा के पूरा धो देगा। तो गाइस जल्दी जल्दी काम हो जाएगा और सब जगह भी पूरा घर फैलावा पड़ा सच में, इसलिए 2-3 दिन लगेंगे घर को पूरा साफ सुथरा करने में। तो गाइस लग जाते हैं जल्दी से। अब तो गाइस किचन का पूरा सामान खाली हो चुका है, अभी से मैंने 2 डिब्बे रखे हैं चाय के लिए, जो मुझे सबसे ज़्यादा चाहिए काम करते करते भी। तो और रात को हमने दाल बाफले बनाए थे तो वो रखे हुए हैं। तो हम सबसे पहले अभी किचन में पहले झाड़ा झूड़ी नहीं कर रहे, बर्तन पूरा छत पे रख दिया है और हम यहाँ खाना खाने बैठ गए। ये देखिए, तो हमने दाल बाफले, अचार और चटनी और सब खाना खाने के लिए बैठ गए। तो गाइस जल्दी से खाना खा लेंगे ना, तो फिर दिन भर भी हो जाएगा, तो फिर टाइम नहीं मिलेगा, क्यों कि फिर साफ सफाई झाड़ा झूड़ी डाले वगैरह ये धूल वगैरह उड़ेगी, तो फिर इच्छा नहीं होगी खाना खाने की, तो पहले खाना खाते हैं। तो गाइस खाना खा लिया हमने और किचन के सब बर्तन चले गए, लेकिन अभी मैंने मुँह पर मास्क लगा रखा है क्योंकि किचन में देख सकते हो आप एसिड एसिड बहुत ज़्यादा एसिड मैंने डाल दिया इसमें और धुआं ही धुआं हो गया पूरे किचन में, तो सब घिसना पड़ेगा यहाँ पे अभी। और पूरा किचन खाली हो गया, स्टैंड वगैरह सब धो दिए, बोर्ड यहाँ मैंने टेप चिपका दी है, इसमें बोर्ड भी घिसा, बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। तो ये देखो गाइस, और यहाँ तोशिब के आँख में सर्फ गिर गया है किचन घिसने में, देख दिखाए ना आँख, तोशिब आँख खोल, ऐसे नहीं होएगा कुछ भी। तो गाइस हम छत पे आ चुके हैं और देख सकते हो हमारा काम स्टार्ट हो चुका है, और बर्तन आप देख सकते हो यहाँ से यहाँ तक 2 टब मैंने भर लिए हैं। इस पलंग पे मैं बर्तन धो धो के रखूँगी, तो देखो कितना फैला हो रहा है पानी, पाइप हम बांध, तोशी भी इतना मत बांध क्योंकि ना वो फिर निकालना पड़ेगा वो। तो गाइस जल्दी से बर्तन धो लेते हैं पहले, देखो शाम हो जाएगी हमें। तो गाइस अभी इतने बर्तन और धोना है और तोशिब की हालत टाइट हो चुकी है और तोशिब के साथ साथ मेरी भी हो चुकी है, और बाकी के सब बर्तन ले गए हैं दोनों भाई, जब नीचे जमा रहे हैं। तो माशाल्लाह बच्चे बहुत अच्छे हैं, जो सारा काम मेरा फ्री करवा देंगे। और तोशिब क्या हाल है? अंधेरा हो चुका है और यहाँ बर्तन तो पूरे नीचे चले गए हैं, बस ये बचे हैं थोड़े से। अंधेरे में क्या दिखाऊं आप लोगों को, तो ये देखिए, तो हम ले आए हैं जूते चप्पल की पूरी रेक उठा के, तो बस रेक गाइस, तो जूते चप्पल धो रहे हैं और जल्दी से, हाँ जूते चप्पल का स्टैंड गाइस, मुझे नाम याद नहीं आ रहा था। उसके बाद हम पूरी छत धो के जाएंगे, तो बस और नहाएंगे और ये चढ़ाव के यहाँ का साफ़ सफाई पूरी कर लेंगे, ताकि सुबह इतना मालूम नहीं पड़ेगा। हाँ तो शिव, और अभी गाइस हमें नीचे जाके खाना भी बनाना है, मुझे बनाना है। तो गाइस 9 बज चुका है और हमारी भी 12 बज चुकी है काम कर करके, अब फ्री हुई हूँ, अभी नहाकर आई हूँ और उधर चावल चढ़ा दिए मैंने, दाल रखी हुई है बनी हुई, और देखो कपड़े अभी भी धुल रहे हैं ऊपर और कपड़े डालने के। लेकिन सुबह तो बहुत सारा काम हो गया है, छत पे भी जूते चप्पल की जो यहाँ पे जगह थी वो भी मैंने पूरा यहाँ पे क्लीन कर दिया, देखिए ये जगह भी हो गई है साफ, और किचन तो पूरा ही साफ हो चुका है। यहाँ मैंने चावल चढ़ा दिए हैं और किचन मेरा पूरा डिब्बे वगैरह सब साफ़ हो गए हैं, किचन अलमारी साफ़ हो गई है।
तो अब तोशिब गया है नहाने, अब फटाफट चावल बन जाए, दाल गरम कर लेती हूँ और जल्दी से खाना खाएंगे गाइस, क्योंकि बहुत तेज़ भूख लगी है। तो गाइस यहाँ चावल बन चुके हैं और यहाँ मैंने आटा रखा था तो पूड़ी निकाल ली मैंने, थोड़ी सी सोच रही थोड़ी सी पूड़ी बना लेती हूँ। और यहाँ टमाटर की चटनी और पत्ता गोभी की सब्ज़ी रखी हुई है। बच्चे उधर लेकर चले गए हैं, पानी वगैरह भर लिया है, अब खाना खाएंगे फटाफट, इंतज़ार कर रहा है मेरा, लेकिन मैं पूड़ी बनाने लग गई हूँ। तो गाइस खाना खाने के बाद मिलते हैं। तो गाइस अभी 9 बज चुका है और बहुत बुरे हम थक चुके हैं। तो आज की वीडियो का मैं यही एंड कर रही हूँ, आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, गुड नाइट।